एक सवाल बार बार उठता है कि मन को शांत कैसे किया जाए और दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है। मन को शांत करने की अनेकों तरह की विधियां बताई जाती हैं, लेकिन हमें पहले मन की स्थिति को समझ लेने की जरूरत है कि मन है क्या। मन अपने आप में एक अशांति का नाम है। मन एक तूफान है, उठता हुआ तूफान है, बवंडर है। पांचों इंद्रियों के स्वाद से जुड़कर जो चीज बनती है उसे हम मन कहते हैं। जैसे स्वाद का सुख, कुछ खाकर हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। मन को भाने वाली बातों को सुनकर हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे दृश्य जो मन को भा रहे हैं उसको देखकर हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। शारीरिक स्पर्श से हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सुगंध जो हमें पसंद हैं उन सुगंध का आनंद लेकर हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सभी का जोड़ को ही हम मन कहते हैं। अगर कोई ये सोचे कि हम अपने मन को शांत कर दें, तो ये सोचना ही गलत है कि मन को शांत किया जा सकता है। जैसे किसी एक घर में एक अभिभावक हो, वो घर एक खास दिशा में चलता है, लेकिन जहां कहीं भी जिस किसी भी घर में अगर पांच गार्जियन हो जाए, पांच अभिभावक हो जाए और अलग अलग विचारधारा के लोग चलाने की कोशिश करें, तो कभी भी उस घर में शांति हो ही नहीं सकती है। मन विचलित क्यों होता है? जैसे कहते हैं कि माइंड में कंफ्यूजन क्यों है? माइंड में कंफ्यूजन इसलिए है कि किसी खास दिशा में जब आप कार्य करने की सोचते हैं, किसी खास दिशा में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उस वक्त मन के अंदर के विचार उठने शुरू हो जाते हैं, तरंगे उठने लगती हैं। जैसे कोई छात्र पढ़ाई करने पे ध्यान लगा रहा है, तो उस वक्त अगर उसकी रुचि स्वाद में है, कहीं से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू अगर आ जाए, तो मन विचलित हो जाता है। अलग बात है कि छात्र अपने टेबल पे ही बैठा रहे, किताबों को खोल के भी बैठा रहे, लेकिन उस वक्त ध्यान कहीं और रहेगा, यानी स्वाद का तूफान उठने लगा है उसके अंदर। और जो तरंगे उठ रही हैं ऊपर, वही मन की तरंगे हैं। तो कभी भी मन को जीतने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन से लड़कर कोई मन को शांत नहीं कर सकता है। जैसे कोई दो व्यक्ति लड़ाई करने के इरादे से आमने सामने खड़े हैं, अगर शांति कायम करनी है तो किसी एक को अलग हटना पड़ेगा, उस लड़ाई से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। मन को शांत करने की एक ही विधि है कि मन का पोषण करना बंद कर दे। एक मधुमेह का मरीज जिसको डॉक्टर ने बोल रखा है कि मिठाइयां नहीं खानी है, तो उसको अपने आप को मिठाइयों से दूर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मिठाई की दुकान पे बैठ जाए और तब वो कहे कि मेरा मन विचलित हो रहा है, मन में कंफ्यूजन हो रहा है, खाऊं कि ना खाऊं, तो वो जरूर मन विचलित होगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए कंफ्यूजन होगा क्योंकि वो पोषण देने के स्थान पे बैठा हुआ है, मन को पोषण मिल रहा है और मन में तरंगे उठेंगी। अलग बात है कि शुरू में छोटी तरंगे उठेंगी, धीरे धीरे तरंगे बढ़ेंगी और बड़े तरंग के रूप में भी वो प्रकट हो सकती हैं। और एक समय ऐसा भी आ सकता है वो इंसान विचलित हो जाए, सभी बुराइयों को जानते हुए भी कि इन मिठाइयों को खाने से मेरी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी मन बेचैन कर सकता है उसको, क्योंकि मन का काम ही है तरंगों को उठाना। तो इसलिए अपने मन की अशांति को शांत करें। मन की अशांति को शांत करने के लिए लड़े नहीं, उससे विदा हो जाए, अलग हो जाए, पोषण देना बंद कर दें। और पोषण बंद करते ही मन शांत नहीं होगा, मन मर जाएगा। और उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद कभी भी मन विचलित ही नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि मन अब रहा ही नहीं, मन ही विलीन हो चुका है, मन मर चुका है, खत्म हो चुका है। जब रहेगा नहीं तो विचलन कैसे होगा।